हेलो एवरीवन, आई एम ओमकार देशपांडे, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, केएलएस कोकटे, पीयू कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, बेळगावी. वेलकम यू बैक फॉर द बिजनेस स्टडी क्लासेस. वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक टू, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव कवर्ड द ऑल द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. तो वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व इन ईच फॉर्म्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इन डिटेल what, how it is there and which forms of organization has what kind of a things. Okay, so with the help of this chart we'll able to understand in detail. तो ये chart में आपको एक तो पता चलता है कि every forms of business organization how it is different from others. एक form से दूसरा form कैसा अलग है, what are the differences are there, that you are going to understand it. चलो हम शुरुआत करते हैं first one. Okay, तो first हम बात करते हैं formation. जब बात फॉर्मेशन का आता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप, मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटी, इजीएस्ट फॉर्मेशन. आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज़ वेरी इजीएस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस. देर इज नो मच कॉम्प्लिकेशन, देर इज नो मच लीगल फॉर्मेलिटीज, इट्स इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस. बट वही हम जब पार्टनरशिप को देखते हैं, रजिस्टर इज ऑप्शनल. इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और इनका भी इजीली फॉर्म हो सकता है. बट इफ़ यू सी द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली का देखते तो लेस लीगल फॉर्मेलिटी. यहां पर भी इतना सारे फॉर्मेलिटीज नहीं है. एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कर नहीं किए तो भी चलेगा, उनको एग्जम्प्ट है वहां पर, और इजीली फॉर्म हो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना होता है, ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज. तो यहां पर थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाता है विच दे हैव टू फॉलो इट आउट. इफ यू सी द कंपनी, आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटी यहां पर इन्वॉल्व है. लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज विल बी देयर एंड ऑल्सो इट इज एक्सपेंसिव हो जाता है, इट विल द टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा वहां पर हो जाता है. तो ये रहा व्हेन वी कम्स टू फॉर्मेशन, कंपैरिजन ऑफ ऑल दिस फाइव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अभी देखेंगे सेकेंड वन, मेंबर्स. व्हेन इट कम्स टू द मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ओनली वन ओनर, ओनली वन पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस. बट व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम टू एटलीस्ट रिक्वायर्ड, मिनिमम टू, मैक्सिमम तो लिमिट रहता है. बट व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग, जीरो एंड अदर्स 20, सो लाइक दैट दिस मिनिमम तो दो लोग तो चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ओके, बट इफ यू सी द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एटलीस्ट टू पर्सन फ्रॉम डिविजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, नो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स. तो इनके लिए मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है, बट यहां पर भी कैसा है, मिनिमम 2% रहना चाहिए और पर्टिकुलर एक फैमिली में से ही रहना चाहिए. दिस इज व्हाट अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फोर्थ देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी. जब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एटलीस्ट 10 एडल्ट्स, नो मैक्सिमम लिमिट्स. तो एटलीस्ट 10% तो चाहिए यहाँ पर, बट नो मैक्सिमम लिमिट. बट इफ यू वही जगह जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात होता है तो मिनिमम एटलीस्ट 2% दे रिक्वायर्ड. व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी 7 रहना चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 50 चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो अनलिमिटेड. सो दिस इज रिगार्डिंग द मेंबरशिप व्हेन इट कम्स टू दी ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो देखेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड पॉइंट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. जब बात कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का आता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लिमिटेड फाइनेंस, थोड़ा मिनिमम फाइनेंस से ही काम चल जाता है. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज वेरी स्मॉल अमाउंट. व्हेन इट कम्स टू दी पार्टनरशिप, जब बात पार्टनरशिप का आता है तो लिमिटेड बट मोर देन दैट कैन रेज्ड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा अमाउंट यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप. नाउ लेट्स सी द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली, एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी, जो एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी है वो रहना चाहिए. देन व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल विच दे कैन कॉन्ट्रीब्यूटेड. एंड व्हेन इट कम्स टू कंपनी, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का आता है तो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, बिकॉज ये जो बिजनेस ही रहता है लार्ज स्केल सेक्टर में हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी.
लेट्स लुक एट अ फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी. जब बारी लायबिलिटी का आ जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड हो जाता है. द लायबिलिटी इट विल बी अनलिमिटेड व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हेन यू सी द पार्टनरशिप अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट, यहाँ पर भी कैसे है अनलिमिटेड हो जाता है. बट व्हेन यू सी द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पर अनलिमिटेड कर्ता, सिर्फ कर्ता के लिए अनलिमिटेड है, बाकी के मेंबर्स के लिए क्या है, इट इज लिमिटेड. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब बात कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है तो इवन देयर लिमिटेड नंबर ऑफ लायबिलिटी विल बी लिमिटेड. व्हेन यू सी द कंपनी इट इज ऑल्सो अनलिमिटेड. तो ये रहा हमारा लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इफ यू सी द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो यहां पर क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर्स टेक्स ऑल द डिसीजंस, क्विक डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पर क्या होता है, अकेला पर्सन रहता है, ही इज द ओनर, ही विल टेक ऑल काइंड ऑफ अ डिसीजन. सो वो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सिर्फ एक ही आदमी के पास रहेगा, सो इससे डिसीजन भी जल्दी से हो जाता है. बट इफ यू सी द पार्टनरशिप, पार्टनर्स टेक डिसीजन कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नीडेड. तो यहाँ पर कहता है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ऑल टू पार्टनर्स के लिए डिस्कशन हो के ही एक डिसीजन बनाना हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप फॉर्म्स. बट व्हेन इट कम्स टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता टेक द डिसीजन, कर्ता इज अ सीनियर पर्सन इज देयर, ही विल टेक अ डिसीजन. बट व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब बात कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स रहते हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन. फॉर देम वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनेजिंग कमिटी. तो वही हो जाता है मैनेजिंग कमिटी, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, दे विल टेक अ डिसीजन. व्हेन यू सी द कंपनी, जब बात जॉइंट स्टॉक कंपनी की आता है तो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. तो यहाँ पर क्या होता है, ओनरशिप भी अलग है और मैनेजमेंट चलाने वाले भी अलग है. दोज हू रन द बिजनेस, दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, दे विल टेक अ डिसीजन. ये होता है कंपनी का मैटर. तो नेक्स्ट लुक एट अ लास्ट पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूटी. जब बात कंटिन्यूटी का आता है तो व्हेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप अनस्टेबल बिजनेस एंड ओनर्स रिगार्डेड एज अ वन. तो यहाँ पर एज अ ओनली वन पर्सन इट विल बी द ओनर. तो उसका अगर उसका डेथ हो गया तो कहीं बार बिजनेस स्टॉप हो जाता है. दिस इज वॉट रिगार्डिंग कंटिन्यूटी वेन इट कम्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप. तो नेक्स्ट आ जाता है पार्टनरशिप. जब बात हम पार्टनरशिप का करते हैं तो मोर स्टेबल बट अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ द पार्टनर. तो यहाँ पर होता क्या है, पार्टनर्स बहुत सारे रहते हैं. अगर एक किसका तो पार्टनर का डेथ हुआ तो सम टाइम बिजनेस में गेट एन एंड, बट अगर फ्रेश एग्रीमेंट करके वो बिजनेस कर सकते हैं. ये एक पॉसिबिलिटी है व्हेन वी कंपेयर विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लोज ही हो सकता है, बट पार्टनरशिप में क्या है, वो पर्टिकुलर बिजनेस क्लोज हो सकता है, बट अगेन फ्रेश एग्रीमेंट बना के दे कैन स्टार्ट अ ऑपरेशन. ओके, दे कैन स्टार्ट द बिजनेस. तो नेक्स्ट हो जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली का देखते हैं तो स्टेबल बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर कर्ता डाइज. जब हम ज्वाइंट स्टॉक, जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर क्या तो द सीनियर पर्सन वन हु इज कॉल्ड एज अ कर्ता, अगर उसका डेथ हो गया तो नेक्स्ट सीनियर पर्सन इज देयर, ही इज गोइंग टू टेक अ चार्ज एंड बिजनेस विल बी कंटिन्यूड. तो यहां पर बिजनेस कंटिन्यूटी रह जाता है. व्हेन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल बिकॉज सेपरेट लीगल स्टेटस. तो ये भी ऐसा ही है, एक अगर मेंबर आया है, मेंबर छोड़ के गए तो भी नेक्स्ट मेंबर इज देयर, ही विल टेक अ चार्ज ड्यू टू दैट सेपरेट लीगल एंटिटी, दे विल मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी. और लास्ट का था कंपनी. कंपनी मतलब व्हेन इट कम्स टू जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, स्टेबल बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. इवन द सेम केस, मेंबर आते रहता है, मेंबर जाते रहता है, बट द डायरेक्टर्स जो वन हु मेंबर्स आर देयर, दे आर गोइंग टू रन द बिजनेस. यानी कि बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अ कंटिन्यूड ईयर. द बिजनेस विल नॉट एट ऑल गेट स्टॉप इफ एनीथिंग हैपन्स टू एनी अदर मेंबर्स और अ डायरेक्टर या किसका भी हुआ तो बिजनेस तो स्टॉप नहीं हुआ, बिजनेस इट विल गेट कंटिन्यूड. तो ये रहा देखो कंपेरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. ये रहा हमारा डिफरेंसेस बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये चार्ट से आपको क्लियरली पता चलता है कि ऑल फाइव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है यहाँ पर. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज जनरली एग्जामिनेशन में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो सेक्शन ई में. सेक्शन ई विल बी द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन, POQ विच वी कॉल इट एज. वहां पर ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी फाइव फैक्टर्स यू कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द सूटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला चाहते हो
हो, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस करने से पहले, विच आर द फाइव फैक्टर्स यू आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सा तो बिजनेस स्टार्ट करने वाले तो ऐसे कौन से फाइव फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो व्हेन इट कम्स टू द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या व्हाट, ये देखो आपने ऑलरेडी फाइव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, पार्टनरशिप को देखा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखा और ज्वाइंट हिंदू फैमिली को देखा आपने। तो इनमें से कौन से भी अगर एक फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है तो देर आर सम फैक्टर्स आर देयर, तो वो फैक्टर्स आपको बताना है विच आर दोज फाइव फैक्टर्स आर देयर। तो उसका आंसर है तो आंसर ये है देखो, द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग अ सूटेबल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट विद द बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है ऑलरेडी कंपैरिजन में आपने पढ़ा है कॉस्ट मैटर, कॉस्ट एंड इजी टू स्टार्ट। जहां तक बात अभी देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का आ गया, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अप द बिजनेस, देर इज नो मच फॉर्मेलिटी इज देयर, इवन विद अ लेस कॉस्ट यू कैन स्टार्ट। इफ यू सी द पार्टनरशिप, जब बात पार्टनरशिप का आता है तो वहां पर भी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर थोड़ा फंड्स आपको ज्यादा भी रह सकता है या कम भी रह सकता है, बट अगेन रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी देयर और फॉर्मेलिटी भी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है और उनके लिए ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। बट when you see the ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पर होता क्या है कॉस्ट का कुछ मैटर रहता है, एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी रहता है, थ्रू दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट भी हो सकता है यहाँ पर। देन उसके बाद में आपने देखते हो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कहते हैं कॉस्ट मैटर्स का जब आता है तो शेयर्स इशू करके अमाउंट लेते हैं, तो फॉर्मेलिटी थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंसिव हो जाता है, इवन इन कोऑपरेटिव में ऐसे हो जाता है। सो लाइक दैट व्हाट हैपेंड बिफोर यू स्टार्टिंग विद एनी फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस, कॉस्ट और फॉर्मेलिटीज आपको देख के करना है, ये होता है हमारा फर्स्ट फैक्टर आपको कंसिडर करना है। देन लेट्स सी द सेकेंड वन, लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स। इफ यू सी द लायबिलिटी, बाय सीइंग द लायबिलिटी ऑल्सो यू हैव टू सिलेक्ट इट आउट। आप लायबिलिटी को देख के भी आप सिलेक्ट करते हो। अभी देखो जहां तक सोल प्रोप्राइटर्स का हो अनलिमिटेड हो जाता है, पार्टनरशिप का अनलिमिटेड हो जाता है, इफ यू सी द ज्वाइंट हिंदू फैमिली कर्ता के लिए अनलिमिटेड है, बट वेन इट कम्स टू द अदर पार्टनर्स इट इज लिमिटेड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए लिमिटेड है, कोऑपरेटिव के लिए लिमिटेड है। बाय सीइंग द लायबिलिटी ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट द बिजनेस। और थर्ड मैटर कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। जब बात कंटिन्यूटी ऑफ का बिजनेस का आता है तो आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक पर्टिकुलर ओनर है, सिंगल ओनर है, उसका डेथ हुआ तो बिजनेस स्टॉप हो सकता है। पार्टनरशिप अगर कुछ तो पार्टनर को के पार्टनर का कुछ तो अनसर्टेनिटी हुआ तो वो भी पार्टनरशिप क्लोज हो सकता है, नहीं तो फ्रेश एग्रीमेंट आपको बनाना होता है, बट वो बिजनेस तो क्लोज हो जाता है। सो अगेन व्हेन इट कम्स टू दी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर करता नहीं है तो नेक्स्ट सीनियर पर्सन लेगा चार्ज, इसके लिए हमारा बिजनेस तो सेफ रहता है। देन इफ यू गो विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इफ यू गो विद अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वहां पर भी ऐसा है, नेक्स्ट मेंबर्स विल बी द मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट बिजनेस विल बी कंटिन्यूड इट। तो जब कंटिन्यूटी का बात आता है तो ये फाइव फॉर्म्स में भी ऐसे रहता है, वो भी देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैनेजमेंट एबिलिटी, जब मैनेजमेंट का एबिलिटी आता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है, ओनली सिंगल पर्सन इज देयर, अकॉर्डिंग टू जितना उसको नॉलेज है उसके हिसाब से ही कैन मैनेज द एक्टिविटीज, बिकॉज दो देयर इज नो अदर पर्सन हु हैज टू गिव देम द एडवाइस। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, यहां पर क्या होता है टू और मोर पार्टनर्स रहते हैं, थोड़े एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो और एक फील्ड रहते जो अदर फील्ड में एक्सपर्ट रहते, तो यहां पर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा अच्छा होगा वो भी रहता है, और कंट्रोल मैनेजमेंट सब दोनों पार्टनर्स जितने पार्टनर्स हैं उनके सब में बीच रहता है। इफ यू सी द कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वहाँ पर कहता है लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये रहेंगे, दे विल टेक अ डिसीजन, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स रहते हैं, मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स रहते हैं, दे विल टेक अ डिसीजन। सो लाइक दैट इफ यू कम टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, द करता हु इज अ सीनियर पर्सन, ही विल टेक अ डिसीजन। सो लाइक दैट ऐसे क्या होता है, मैनेजमेंट एबिलिटी भी डिपेंड्स हो जाता है बिफोर यू सिलेक्ट द बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कैपिटल कंसिडरेशन। जब बात कैपिटल का कंसिडरेशन आता है, सोल प्रोप्राइटर्स के लिए थोड़ा कम कैपिटल चाहिए, पार्टनरशिप के लिए भी थोड़ा कम कैपिटल हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है आपको कैपिटल रेज करते हो बाहर से तो थोड़ा कैपिटल वहाँ पर चाहिए रहता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए आपको, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए जो एग्जिस्टर का प्रॉपर्टी रहता है वही वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करके बिजनेस कर सकते हैं, तो ये कैपिटल का मैटर हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू डिग्री ऑफ कंट्रोल, जब बात कंट्रोल का आता है तो
सोल प्रोप्रेटरशिप में एक सिंगल पर्सन रहता है, उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के हाथ में कंट्रोल रहेगा। और जहां तक बात ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहता है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू दैट, मैनेजिंग कमिटी रहता है, उनके हाथ में रहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हिंदू फैमिली, द कर्ता वन हु इज अ सीनियर पर्सन, उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहता है। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। जब बात नेचर ऑफ बिजनेस का आता है तो डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ अ बिजनेस यू आर स्टार्टिंग, उसके ऊपर से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप ऑर्गेनाइजेशन आप डिसाइड कर सकते हो। इफ यू आर बिग ऑर्गेनाइजेशन आर देर, यू कैन गो विद अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आप जा सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। इफ इट इज यू वांट टू बिकम अ वेरी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्रेटरशिप पार्टनरशिप है। अगर एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी आप एक अकेले फैमिली में मैनेज करना चाहते हो तो जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ बिजनेस है, या सब लोगों को लेकर इकट्ठा करके करने वाला तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लाइक दैट व्हाट हैपेंड, नेचर ऑफ बिजनेस, विच काइंड ऑफ अ बिजनेस यू आर डूइंग, डिपेंडिंग अपॉन दैट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा, देखो दीज आर व्हाट 5 पॉइंट्स पूछा था, बट देयर आर 7 पॉइंट्स मैंने जो बताया आपको, 7 पॉइंट्स वहां पर लिखना होता है व्हेन क्वेश्चन कम्स लाइक फैक्टर्स व्हिच आर कंसीडरिंग व्हाइल सिलेक्टिंग द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू राइट इट आउट। ओके, यस, आफ्टर दिस आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, विच इज द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच यू फील, विच सपोज इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस विच फॉर्म यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। ओके, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है। ओके, थैंक यू।